इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, हेलो डॉक्टर गुप्ता जी, कौन बोल रहा है? सर मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ, मुझे आपका रेफरेंस मिस्टर संचित भटनागर ने दिया था। सर आपके पास 2 मिनट होंगे अभी? हाँ बिल्कुल बताएं। तो सर मैं ना अभी अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाने आया हूँ क्लिनिक पे, तो सर मेरा नंबर ओबी ओपीडी में आने ही वाला है, तो मैं बस अपना ना फोन उस टाइम पे चालू रखूंगा। ऋषभ सर मेरा नंबर आ रहा है सर, मैं बस ऋषभ कौन है? मैं आ रहा हूँ तो सर मैं बस फोन लेके जा रहा हूँ ना, ताकि आप दोनों कंसल्ट कर पाएंगे तो मेरे लिए बेटर रहेगा सर। जी जी ठीक है जी, थैंक यू सर। एक सेकंड सर मैं अंदर जा रहा हूँ बस। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। नहीं मैं अपने फैमिली डॉक्टर से। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप अभी? डॉक्टर तबीयत इतनी ठीक नहीं है। मैं एक सेकंड सिस्टर ऋषभ की फाइल निकालो। सो डॉक्टर जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ ना, मेरे बैक में बहुत पेन रहता है। सुबह उठते ही बैक में पेन है सर, रोज सुबह। ये सुबह सुबह होता है या सर जैसे ही सुबह उठता हूँ सर? सुबह उठने में ना जी, सुबह उठते ही डॉक्टर। आप एक काम करो, आप दोपहर में उठा करो। ठीक है डॉक्टर, ठीक है आप दोपहर में उठो ना, जब आपको, आप भी तो खुद ख्याल नहीं रखना, जब आपको पता है सुबह सुबह उठने में पेन हो रहा है, हर बार डॉक्टर थोड़ी बताएगा, आप दोपहर में उठो। और डॉक्टर एक प्रॉब्लम और थी, समझ नहीं आ रहा, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है। बेचैनी रह रही है? कब से हो गया? 15-20 दिन हो गए। बेचैनी, दवाई ली थी? दवाई ले ली थी, आपने बोला था लेने के लिए, मैंने पैसे दिए थे और ले ली थी। नहीं नहीं समझ नहीं, मैं कह रहा हूँ दवाई पी ली थी? दवाई लाल थी। आप समझ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दवाई को पी लिया था? पी लिया मुझे था। दवाई खा ली थी? दवाई भरी हुई थी सर। अरे यार आप समझ नहीं रहे, आप एक काम करो, आप वेट करो, ठीक है आप वेट करो। मैं वेट करूं? वेट करो आप। एक सेकंड सर। हाँ नेक्स्ट सर। 65 वेट है सर। अरे यार नेक्स्ट, मैं आपसे कह रहा हूँ आप समझ क्यों नहीं रहे हो बात को यार। सर जैसे एक प्रॉब्लम और है, बताइए। छोटी उंगली में दर्द होता है, जैसे ही वो दर्द शुरू होता है थोड़ी देर बाद ना वो नर्व्स के थ्रू ऊपर आते आते ना शोल्डर तक पहुंच जाता है। अच्छा, यहाँ से दर्द शुरू हो रहा है ऊपर तक जा रहा है। हाँ, और शोल्डर के बाद से मैं नोटिस किया था ये नेक पे ना, ये ग्लैंड्स के अराउंड शायद। नहीं ये थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है, इसमें सीटी स्कैन करना पड़ेगा। जी हाँ, आपका टाइम है तो अभी करते हैं सीटी स्कैन। जी सर मैं अभी करता हूँ। सिस्टर सीटी। तो ये रिपोर्ट आप सीटी स्कैन की कल ले जाना, ठीक है? सिस्टर इनकी रिपोर्ट दे देना सीटी स्कैन की। रिपोर्ट में एक डिटेल में और ऐड कर दूं, बोलिए। उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है सर, जैसे मैं बर्थडे पार्टीज में जाता हूँ, अभी परसों गया था मैं एक बर्थडे पार्टी में, तो केक जैसे ही खाया ना छाती बहुत जल रही थी। ओहो, आप एक काम करना, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगली बार जब आप केक खाओ ना तो उस पर से कैंडल्स हटा देना, ठीक है? उसको बुझा के साइड में रख देना, तो ये होता है, अक्सर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक काम करो आप, अपना एप्पल खाओ जितना हो सकता है। एप्पल नहीं खाऊंगा। नहीं एप्पल क्यों नहीं खाओगे? एप्पल नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे एप्पल? एप्पल खाऊंगा तो डॉक्टर से कैसे मिलूंगा? कौन से डॉक्टर से? इन डॉक्टर से जो इतना अच्छा काम कर, जो भी लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, दिल से थैंक यू आप सबको। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, बाय। थैंक यू। हेलो। हेलो, हाँ जी, होटल से बात कर रहे हैं जो पहाड़गंज में है, न्यू दिल्ली? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, बात कर रहे हैं जी? बोल रहे हैं जी। मैं, मुझे एक्चुअली आपके होटल बुकिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अपने बॉस के लिए। आज ये गल है कि इतना कि हले तो आपका बुकिंग ले नहीं रहे जी, ते अच्छे वाउचर दे रहे हैं, ते तुसी वो वाउचर ले लो जी, ते बाद चो रिडीम करा लो, जदों मर्जी आओ जी, सद के जी आने हो जी। तो हम इसको नेक्स्ट ईयर अगर रिडीम करें तो कोई पंगा तो नहीं है ना इसको नेक्स्ट ईयर? नहीं नहीं भाजी, कोई पंगा नहीं है, आप चाहे जब मर्जी रिडीम कर लो, चाहे आप मेरे को वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप किधर से बोल रहे हो वैसे? मैं इंडिया से नहीं बोल रहा, मैं इंडिया के बाहर से बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, और मुझे कोई चक्कर नहीं जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आना जी। हाँ, और वही अपने बॉस के लिए बुकिंग चाहिए थी क्योंकि इंडिया कल्चर देख लेते हैं वो। तो ये जो बॉस है आपके, वो पहली बार इंडिया आ रहे हैं क्या? हाँ वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, और मैं आपके होटल में एक बार रुका था तो मुझे लगा इसीलिए इसी होटल में बुकिंग करवाएं। कोई चक्कर ही नहीं, आ जाओ जी, आ जाओ जी। अगर आप माइंड ना करें तो मेरे बॉस भी हैं साथ में ही, उनको भी कुछ क्वेरीज होंगी, वो मुझसे पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, इससे बढ़िया आप अभी ही बात कर लेते हैं ना, उनको जो भी क्वेरीज हैं आप क्लियर कर दीजिएगा। हाँ हाँ जी, मेरी गल करा दो तुसी उन्होंने नाल, पर इदां वा कि मेरे अपने मतलब होटल च सारे बाहरले बंदे आंदे ही रहिंदे आ,
पिछले साल जी एक कनाडा से फैमिली आई थी, तो मेरा मतलब अपना होटल इतना अच्छा लगा, उन्होंने जाके गूगल पे जी रिव्यू लिखा है कि जी बहुत बेस्ट होटल इन दिल्ली जी ये वो, मतलब मेरे को जी बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने ऐसे कुछ लिखा। एक सेकंड मेरे सर आ गए सर। सर हाय बोल रहे हैं सतपाल जी। हाँ जी सर, पूछ रहे आपके होटल में क्वीन साइज बेड भी है ना? अब मेरी जरा बॉस ने दोबारा गल करायो। आ तू लेकिन जा तू आई थी वहां पर छु ही आ तू टी भाई साहब। हाँ तू, अरे आपने दूसरे वाले पाजी? हेलो। हाँ जी, हाँ जी बताइए पाजी। ये कहाँ से है पाजी, क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं लग रहा कुछ। चाइना से है ना? ठीक है, कितों है? चाइना। आ तू आलिया नहीं है कोई कमरा है? नहीं है, नहीं है नहीं कमरा। लेकिन अभी तो आपने बोला था कि आपके पास रूम्स हैं और हम रिडीम कर सकते हैं कूपन जब मर्जी। कोई कमरा है नहीं, चाइना वाले को कमरा देना ही नहीं। चाइना की मार ने कोरोना फैलाकर सारे के पटाका रख के चला दूंगा। पथे आ पथ ही ओ कोरोना मेरी छोड़ गल चदा इत्ते ता ताडी साले दिवाली ते लड़ियां की ला लेने तुसी ता साडी मार ली है। तो किथे नहीं कमरा है नहीं साडे कोई चैनल ओ ना तू जेड़ा हैगा नाल मिसकम्युनिकेशन हो रहा है क्योंकि आपने अभी रूम्स की अवेलेबिलिटी कंफर्म करी थी। चुप रहो, मेरी करोने नाल गल कराओ। तू जा ओ करोने सुन मेरी गल, जे तू इंडिया दे पैर भी रखे बताइए ना। नवेद बोलो, बात तो सुन मेरे भाई। अरे बात तो सुन, फोन काटो यार मेरे को। हेलो हेलो परितोष। हाँ? क्या हाल है भाई, कैसा है? मैं बढ़िया यार, कौन बोल रहा? साक्षी कैसी है? बढ़िया है यार, कौन बोल रहा है वैसे? क्या बात है, साक्षी के साथ डेटिंग एंड ऑल? अरे हाँ, हाँ यार, मतलब अब तो टाइम हो गया लेकिन बोल कौन रहा है यार। सीरियस हो गया तू रिलेशनशिप में एकदम? हाँ यार सही तो चल रहा है। तू साहिल बोल रहा है ना? नहीं नहीं साहिल नहीं बोल रहा, पर तूने मुझे बताया नहीं भाई। अरे यार मतलब किसी को भी नहीं बताया ना अभी, मतलब सीक्रेट ही रखा हुआ हमने। कितने सालों से सीक्रेट है ये? अब होने वाले यार अभी यही नेक्स्ट मंथ हम लोगों की होने हो जाएगी क्या, थर्ड एनिवर्सरी। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ यार तो भाई सिर्फ फोन वोन पे ही बात चल रही है या फिर? अरे नहीं यार वो तो लॉकडाउन का टाइम पता जब नहीं मिल पाते थे, अभी तो 3 दिन का हम लोग ट्रिप मार के आए हैं। अच्छा कहाँ का था ट्रिप? कहाँ का था मेरे भाई? यहाँ ये हिमाचल गए थे यार, शोजा है ना वहाँ पर। भाई क्या मौसम चल रहा है भाई, मतलब मजा आ गया साथ। अच्छा? में ना बहुत सही रहा। क्या बात है यार, ये लेकिन दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसका ऑफिस होता होगा उसके बाद? नहीं यार वो तो वैसे भी हम लोगों का 6 बजे तक खत्म हो जाता है ना। अच्छा उसके बाद फिर हम लोग आराम से 10-11 तक एक साथ ही रहते हैं, ओवर टाइम का बहाना कर देती है ना घर पे। क्या बात है भाई। और यार ये लास्ट तुम कब मिले थे मेरे भाई, टाइम हो गया क्या? एक मिनट यार रुकिए जरा, वो साक्षी का कॉल आ रहा है, एक मिनट रुक जरा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। हाँ यार हाँ, हाँ बोल। हाँ भाई बात हो गई? हाँ यार हाँ हो गई। अरे क्या बात है यार, ऐसी तुम्हारा भाई सही है भाई। यार एक बात और बताना भाई,
यार ये साक्षी को पिक कहाँ से करता है तू? वो घर के नीचे से? नहीं नहीं, घर के नीचे से नहीं है। फिर ज्यादा सीन हो जाएगा ना। हाँ। एक गली छोड़कर मैं पीछे पीछे रहता हूँ। हाँ। तो धीरे धीरे हम लोग आगे जाते हैं। हाँ। अगली गली नेक्स्ट गली में। हाँ। वहाँ पर मिलते हैं हम लोग ना। हाँ। वहाँ से मैं पिक कर लेते हैं। अच्छा। और लेकिन एक बात बता, जो मेरी पूरी जन्म कुंडली पूछ रहा है, तू है कौन? साक्षी का भाई बात कर रहा हूँ। पापा देखो, मैंने कहा था ना वो रात भर फोन मेरे को दो ना, फोन मेरे को दे, बात कर रहा हूँ भाई से जरा। हेलो, हाँ, ये कहाँ से कौन सी गली पीछे की है? कब से बात कर रहे हो आपस में दोनों? 3 साल बता रहा है बाप। 3 साल बता रहा है ना ये? मेरे को डाउट था जो भी था। किधर है तू? अब मेरी समझ में आया बेटा, ये इसने कहा था ना 3 दिन की ट्रेनिंग है कॉलेज की, ये 3 दिन मैं समझ गया, ये घूमने गया था ना, घूमने गए थे हिमाचल कह रहे थे। कब से जानते हो साक्षी को? हमारी नाम बताओ परितोष, जल्दी अपना परितोष, मेरे को नाम जानना है, 2 सेकंड में बताओ मेरे को फौरन। परितोष मेरे को पता है तेरे को आवाज आ रही है, नाम बताओ परितोष अपना। अंकल परितोष नाम है तुम्हारा? हाँ जी। हेलो मोहित। हाँ जी मोहित, जग्गी ने मेरे को तेरा नंबर दिया था। जग्गी ने, मैं यार ये ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, अभी मेरा इंटरव्यू हुआ है, फर्स्ट राउंड हुआ है, मैं रिसेप्शन में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने तेरा रेफरेंस दे दिया ये कह के कि पिछली कंपनी में तू मेरे साथ था, ठीक है? अरे भाई मेरी बात सुनिए, इस वक्त इसकी बात मत कर यार, तेरे को एचआर वाले फोन करेंगे, सारी मैंने बता दी, हमने ऐसे ऐसे साथ में बिजनेस किया, सेल्स किया, ठीक है? तो तू मेरी हेल्प कर दियो भाई, ठीक है? तू उनको बता दियो सारी चीजें। अरे भाई बट कितने बजे कौन करेगा? अभी 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 एचआर वाले एक ही करेंगे, अभी करेंगे, मैं रख रहा हूँ, एचआर वाले आ गए। हेलो, इज दैट मिस्टर मोहित? Yes, speaking. सर ये वही मोहित हैं जो मेरे साथ आपने फर्स्ट राउंड में पूछा था। We were together in the sales. Mr. Mohit, you and Mr. Aniket were together, right? Yeah. कितना टाइम काम किया आप लोगों ने साथ में? Sir, no, I don't remember actually, but 2-3 years. 2-3 years? Yeah, sir. But Mr. Aniket was telling me कि it was around 7 years, 7 साल. उतना ही हो गया ना वो सर, लाइक इट इज लाइक 2+3 लगा लो, मतलब 2-3 साल वाला, उस हिसाब से मैंने बोला ना, 5-4 ऐसे सर याद थोड़ी होता है। अच्छा, वी डोंट रिमेम्बर। राइट। आप सर आप पूछ रहे हो, टारगेट पूछ सकते हो। वो डियर हमने जो साथ में टारगेट पूरे किए थे ना, मैंने रेफरेंस दे रहा दिया था, टारगेट आप पूछ लो। या मोहित, सो जो 7 करोड़ का टारगेट था आप लोगों का राइट लास्ट ईयर, जिसमें से 6.5 करोड़ जो है वो मिस्टर अनिकेत ने किया है राइट? Yes, you can say he is very talented actually. So he was like rocket thing of our company na. तो आपने सिर्फ 0.5 किया है पूरे एक साल में? ये करता नहीं था ना सर, ये एक तो ऑफिस का माता था, अदरवाइज ही इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा अच्छा, तो बहुत हार्ड वर्किंग, काम करने की इच्छा, काम करने की इच्छा ही नहीं। अच्छा अच्छा, देन इट्स ओके। एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट लाइक विलिंगनेस, यू नो, इच्छा तो होती थी लेकिन हो नहीं पाता था तेरे से ना, ये बताया मैंने सर को, हो नहीं पाता था। ये काफी इच्छा करता था लेकिन हो नहीं पाता था, ये होता था इसके साथ। अनिकेत, यू वर आल्सो टेलिंग मी कि आपके ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट में कुछ इश्यूज रहते थे। वर्क एनवायरनमेंट वैसे ठीक था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर बैकग्राउंड चेक से मुझे ये भी पता लगा है कि अनिकेत आप स्पून्स वगैरह उठा लेते थे। मैं नहीं सर, मैं नहीं चुराता था, इसने चुराए थे मोहित, मेरे को याद है, मोहित चुरा के ले गया था। पहली बात तो मैंने कोई चम्मच चुराया नहीं है, ये तो आप फैला दी थी। एक्चुअली चम्मच वो सिमिलर होता था, फिर वॉइस मिसप्लेस हो गया था, तो मैंने, मेरे को लगा मेरा चम्मच है वो सिमिलर होते हैं ना, मैं डाल के गया गलती से भाई। आई थिंक आपने रिजाइन भी इसलिए किया था ना चम्मच की बात पे। यार चम्मच की बात से क्यों रिजाइन करूंगा, चम्मच की बात वो तो बेकार की बात उन्होंने बना दी ना, वो तो कुछ कंफ्यूजन है ये तो। मिस्टर अनिकेत का एक बार ही पैकेज दोबारा क्रॉस चेक करना चाह रहे थे, सो इनका क्या सीटीसी रहता था? पूछ सकते हो सर, पूछ सकते हो, ऐसा कुछ क्या सीटीसी था इनका मोहित? ठीक ठाक था सर, मतलब ठीक ठाक था, अच्छा खासा कर लेते थे बेस, जैसे मिड लेवल का जितना होता है ना, मतलब उतना कर लेते थे, और बाकी इंसेंटिव मिला के मतलब चल जाता था ठीक ठाक इनका। कितना लाइक आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हैं? बी अ लिटिल स्पेसिफिक, नो, इट्स अ प्रोफेशनल कॉल। सर ठीक था, मतलब अब देखो वो तो थोड़ा एचआर पॉलिसी भी होता है ना, इसे डिस्क्लोज नहीं करते। बाकी अब आप ये लगा लो कि कार का, घर का सर EMI वगैरह देना होता है, तो मतलब आप लगा लो उस हिसाब से, मतलब बंदे का पैकेज तो अच्छा ही होगा ना, बंदे कार का EMI बोला आपने? हाँ सर, कार ली थी ना इन्होंने, ये तो 2-व्हीलर मेंशन किया हुआ है रेज्यूमे में, तो 2-व्हीलर है इनके पास। अनिकेत भाई तुमने बताया नहीं यार कि तुमने कार बेच दी है, मेरे को ही बताया तो मैं ही ले लेता यार। समझते मोहित, एक और चीज बैकग्राउंड चेक में पता लगी थी मिस्टर अनिकेत के, कि जब भी ऑफिस में कुछ भी गलत हुआ है, सो मिस्टर अनिकेत ने हमेशा आवाज उठाई है। पूछ लो उनसे, पूछ लो, सब बता देंगे। तो ये सच है क्या मोहित?
हाँ सर, मतलब ही वाज वेरी प्रोएक्टिव, मतलब इन यू नो वॉइसिंग हिज ओपिनियन। हम तो यानी कैसे ही सलाह करते थे सर, यही बात कर लेता था, यही कर देता था सब कुछ। मोहित थैंक यू सो मच, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें मिस्टर अनिकेत की, वो मिल गई है। सो अनिकेत, यस सर, हमारी तरफ से फाइनल हो चुका है सब कुछ, यस सर, एंड वी विल नॉट हायर यू अनिकेत। अनिकेत हेलो, नॉट हायर यू बोला सर? या बट अनिकेत सर, मतलब 7 में से 6.5 कर लेता था ये टारगेट ना पूरे अपने, मैं आपको बताऊं बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल तो नहीं सो मोहित, प्रॉब्लम ये है कि हमारा टारगेट ही 6.5 का है, तो अगर सारा काम अनिकेत ही कर लेगा तो बाकी एम्प्लॉइज क्या करेंगे फिर? यार तू जो भी है बहुत प्यारा भाई, बहुत हेल्पफुल है तू। अरे भाई कौन बोल रहा है, कौन मजे ले रहा है? हेलो हाय, इज इट अंशिका? Yeah, Anshika this side. Hi, Anshika. I saw your advertisement, matrimonial website for. Oh, yeah. Hi. Good time to talk? Yeah, it's a good time to talk. Please tell me. Actually, Anshika, I saw your profile or I must say काफी, you know, beautiful हैं आप. And thank you. Of course, thank you. Like well qualified. Everything is just amazing. जरा से हमसे भी करा दे बात. अभी करा दूंगा, थोड़ा पहले मैं बात कर लूं, जरा सी करा देते। हाँ जी अभी करा दूंगा ना। यस सो अंशिका, कुछ बताइए अपनी हॉबीज के बारे में हमें। सो सी आई रियली लाइक ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग एंड आई लव रीडिंग बुक्स एंड आई लव शेयरिंग। मुझे तो बढ़िया लग रहा हूं अब तक का, सही बता रहा हूं, अब तक का तो बढ़िया लग रहा है। सो इस कन्वर्सेशन में डैड भी है क्या? ऑफ कोर्स डैड तो होंगे ना इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट, क्योंकि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। अरे वाह, को कह दे दाल चढ़ा देंगे, दाल आज दाल का हो रहा मूड। हाँ दाल मूंग की। या सो रीडिंग, राइट राइट। या सो व्हाट ऑल डू यू लाइक? वेल आई आल्सो लव ट्रैवलिंग एंड ओके, हमारा नंबर जरा कब आएगा, कब से बात कर रहे हो? हमारे भी तो आगे नंबर नहीं आएगा। 5-10 मिनट में कुछ बात कर लूं, उसके बाद आपकी बात। तो हमें भी तो करनी, हमारे ना जरूरी करवाएंगे, जरूरी है बिल्कुल, तो थोड़े डाउट्स मैं क्लियर करूं, बल्कि ज्यादा जरूरी मैं कह रहा हूं, मेरी है ज्यादा जरूरी। मुझे तो लॉन्ग ड्राइव भी बहुत पसंद है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना। Who doesn't like long drives? छोरू वाग, ओ छोरे वाग, कह दे मेरा हुक्का दे दे हुक्का। हे बट आई होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड की वजह से इतने इश्यूज हो रहे हैं। मुझे तो निकलने ही नहीं दे रहे बिल्कुल घर से बाहर, ना सुबह को वॉक पे जा पा रहा मैं, कहीं को जाने ना देते हैं। अब कर लूं अभी, मेरे को बस 5 मिनट और बात करने दो। यार तुम ही कर जा रहे हो सारी बात, हमारी तो हाय हेलो भी ना हुई अभी। एक सेकंड, या या अंशिका, हाँ या यू सेइंग, आई थिंक जिन लोगों को शादी करनी है ये बेटर नहीं कि पहले वो लोग बात कर लें और बाकी लोग बाद में, मतलब आई एम नॉट गेटिंग इट, पहले हम दोनों आपस से बात करते हैं, लेट्स गेट टू नो ईच अदर, बाकी लोग कॉन्वर्सेशन में बाद में आ सकते हैं। ठीक है फिर आप दोनों आपस में बात कर लो। हाँ मैं डैडी से पहले कह रहा हूँ, मैं ना मेरी बात होने दो पहले। हेलो हाँ मैं, आप कौन? मैं बेटा हूँ इनका जो बात कर रहे हैं ना, पापा। इज माय सन। पहले लाइन पे आपके पापा थे? हाँ जी, यू पापा है मेरे। तो मैं पहले ही कह रहा पापा से, मैंने कहा पापा बात करने दो मेरी पहले, और खुद घुसे जा रहे हैं वहां में। मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा पापा मेरी बात होने दो, फिर तुम जो चाहे बात करियो बाद में, लेकिन पहले ये है, पहले लौंडा लौंडी आपस में बात कर ले, बात की तो बात है रिश्तेदारी की। हाँ मैंने कही इनसे, मैंने कहा मुझे बात करने दो पहले, अब बताओ और क्या करो तुम है? अंजय का बेटा पापा बुला रहे हैं। एक सेकेंड, मुझे क्या हो, झटका से लग गया हो? कौन बोल रहे? हेलो पापा, क्या हुआ है? नहीं पता नहीं बेटा, अंशिका बेटा बात करो मेरे बच्चे से। मुझसे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, समझ में हमारा आगे, हमें आगे बाप पे लाइन पूरी पड़ रही, लौंडा कह रहा वहां पर भावना कुछ
हैं, बाप टसन में भी बोल दे तो बाप बाप है। ठीक है भैया, हाँ हम भी इंटरेस्टेड ना, हम काय को हो रहे इंटरेस्टेड। मैं पहले पिताजी को ठिकाने लगाऊं मेरी शादी ना होने देने के लिए, कभी ऐसा है ना यू कर रहा शादी ना मैं कर रहा हूँ, हम तो तुमसे बस एक ही बात कह रहे हैं। अब राम राम दीदी, क्या हाल चाल है आपके? अबे अब तो आदत पड़ गई लॉकडाउन की यार, नॉर्मल रखिए लाइफ यार, और कोशिश करते रहिए कि ये लड़ाई जीत जाए। अच्छा मुझे मालूम है कि कभी कभी बोर हो जाते होंगे आप, मुर्गे का इंतजार भी कर रहे हैं, ये बहुत पहले मैंने मुर्गा कर लिया था, मुझे मालूम है कि एंटरटेन करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो ये रहा ना मुर्गा, देखो ये देख के और फिर कुछ बताऊंगा मैं। हेलो रिया बोल रही हो? जी राम राम। हेलो हाँ बोलिए। ये तुम्हारा वो देखा हमने, इनसे बात हुई हमारी रिश्तों पे, मतलब रिश्ते के लिए मिलना चाह रहे थे तुमसे। आप करते क्या हैं? हम तो गल्ले पे बैठे हैं। मतलब ऐसे ही कोई जॉब वगैरह तो करते होंगे ना? ना काम है अपना, काम है, नौकरी ना है, गल्ले पे बैठे हैं हम, गल्ले पे मतलब पूरा हिसाब किताब रखे हैं। और कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो हमसे। बता दो भाई आपकी हॉबीज क्या है? संगीत में बहुत रुचि है हमारी, संगीत। अच्छा आपने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक? पढ़ाई तो ना पढ़े में, वैसे तो पढ़े में। कहाँ से करी आपने अपनी एजुकेशन? या ना गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अच्छा मैं तो यूँ सोच रहा था बाहर मिलेगे तो आप कहाँ खाना पसंद करो? मैं फॉलो करती हूँ तो मैं तो ऐसे बाहर से कुछ भी नहीं खा सकती। नहीं तो वो तो अच्छी बात है, हम भी कसरत में तो हम भी अब बहुत आ गए, कसरत तो बहुत करें, पूरे दिन कसरत में निकल जाओ, आधा आधा दिन निकल जाओ कभी कभी। हाँ जी के पापा भी आपके साथ बिजनेस साथ ही रहे हैं? साथ ही पापा जी साथ रहे हैं, पिताजी हमारे। हाँ जी पापा करते हैं आपके? व्यवसाय है अपना, अपना काम है, मिलें फिर कभी। देखिए गंगाधर जी गंगाधर ना है वो तो, बात यूनिवर्सिटी है गंगाधर वहां से पढ़ाऊ, मेरा नाम प्रवीण है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। मतलब मुझे तो लगता नहीं है हम दोनों, मतलब थोड़े भी हम लोगों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है। कोई बात ना है, कोई बात ना है। ओके जी राम राम। हेलो हेलो इज दैट रिया? या हाय हाय रिया दिस इज अंशुमन। यस वेयर डिड यू गेट माय नंबर? मैंने आपका नंबर एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे देखा था, सो आई थॉट आई विल गिव यू अ कॉल, हम बात कर सकते हैं। हां जी आपका नाम, सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम। अंशुमन। हां जी अंशुमन। ओके हां जी, तो आप करते क्या हैं? आई हैव माय ओन बिजनेस, आई एम एन एंटरप्रेन्योर and I usually take care of the cash flow intake jo bhi hai, so yeah. Okay, so what else do you do, like what do you like to do, your hobbies and stuff? Hobbies I'm into music, you know, especially Bob Marley and Shawn Mendes. So I like Shawn Mendes, oh my god, I'm his huge fan, oh my god. Oh wow. To his song, the latest one, Senorita, I love it when you call me Senorita. Yeah, I love that song. I think we have a lot of things in common and you are quite alike. Meri personality bhi match kar rahi hai, mujhe to aapko sunke aisa lag raha hai. Yeah, I agree. I completely agree. Bilkul sahi baat keh rahi hain aap. Meet or something, don't you think? We should meet. Of course we should meet. But like if I want to take you out, so kahan jana chahiye? What kind of cuisine are you into? Main thodi si health conscious hu, I would say. I work out a lot. Oh great. I'm also a fitness freak. I hit the gym daily. That is so cool. Then we should meet some place jahan pe we can get, you know, healthy food options. Yeah, that'll be great. I don't know what to ask you, but okay, fine. Just tell me about your education. I'm a postgraduate from JIPS. Oh, that's so cool. So we can meet later, but do you want to ask me something before that? No, I think aap pata kijiye na mujhse, if you want to ask me anything about maybe my family, my relatives. So, how many people are there in your family? It's just the three of us, me, my father and my mother. Oh, and what does your father do? Hamari pitaji ki company mein kaam kare hain, yaag pitaji. Hello? Hami dewe hain inke pitaji ko kaam. Yo, theek hai, yo, badhiya hai, humne pehle kiya kaam, sari cheeze ek si batayi hain. अगर हम गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से पढ़े हैं तो हम पढ़े लिखना है, यो ससुरा जिप्स चला गया हो तो यो बढ़िया है, हम पूरे दिन वर्जिश कसरत करें वो तुम्हारे समझ में ना रहो, यो जिमिंग वर्कआउट एक घंटा करके आए या डोली दिख रहे हैं पूरे, और शुरू में हमने तुम्हें बताई हम गल्ले पे बैठे हैं, यो भी तो कैश फ्लो वहीं से चला रहे हो गल्ले पे बैठ के, कोई फर्क लग रहा हो या मैं?
हमने शुरू में कह दी तुमसे संगीत का शौक है, पूछ तो लेती कि संगीत कौन सा हो सके, मैं भी बॉब मार्ले कह देता, वाह ने कह दी पहले ही बॉब मार्ले, वाह पे कह दी, ओ सो कूल। ऐसे बात सुनो, या को नाम है अंशुमन, तुम्हें बड़ बढ़िया लग रहा हो, हमने प्रवीण कह दिया शुरू में, तुम्हें ना लगो बढ़ियो। हमें ना सुननी कोई बात, ओ भाई भाई तू मत करो यार शादी ढसन में जा रही बेकार में, दिल देखते ना आजकल कोई अब बेकार की बात करे, भैया हम रख रहे हैं फोन, हम ना कर रहे, मैं भी जा रहा हूँ गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में, राम राम दीदी राम राम। देखिए वो मैं सारा काम कर लूंगा जिससे आप एंटरटेन हो, लेकिन एक बात आप करें, घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि घर पे रहेंगे तो आप रहेंगे। हेलो, हाय, वेलकम टू हैप्पी सर्विसेज, अपनी रातों को अगर रंगीन बनाना चाहते हैं तो दबाएं 2। धन्यवाद, अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं तो दबाइए 5। अकेले रहते रहते बोर हो गए हैं तो दबाइए 3। जवानी का लुत्फ लेना चाहते हैं तो दबाइए 2। धन्यवाद, ये सर्विसेज अगर रात में लेना चाहते हैं तो दबाइए 7। धन्यवाद, आपकी कॉल को हैप्पी सर्विसेज के नाइट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हाय, हैप्पी सर्विसेज के नाइट डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए 1 दबाएं। अगर ये सर्विसेज आप रोज रात को चाहते हैं तो दबाइए 3-4 बार। धन्यवाद, इस सर्विस को आप आज से ही शुरू करना चाहते हैं तो अपनी ही आवाज में पुष्टि कराएं और रिकॉर्ड कराएं हाँ चाहता हूं, बीप के बाद कहिए हाँ चाहता हूं, बीप, हाँ चाहता हूं। थैंक यू, ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप ये सर्विस फ्री में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दबाइए 5। थैंक यू, आपकी कॉल को हैप्पी सर्विस के कंफर्मेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसफर करने के लिए 2 दबाइए। हाय, वेलकम टू कंफर्मेशन सेंटर ऑफ हैप्पी सर्विसेज, इस सर्विस को आप रात में ही शुरू करना चाहते हैं तो दबाइए 4। धन्यवाद, आप लाइन पर बने रहिए, आपका रेफरेंस नंबर हमारे एजेंट आपके साथ कुछ ही क्षण में शेयर करेंगे। हेलो हेलो सर, धन्यवाद सर, आपका कॉन्फर्मेशन मिल गया, मैं यहाँ से ललित बोल रहा हूँ, सर आज रात से ही सर्विस शुरू हो जाएगी, हमारे 2 एजेंट आपके घर पहुँच जाएंगे, आपका एड्रेस भी मिल गया है सर, संगम विहार रह रहे हो ना आप, रात को 11:30 बजे इस सर का सन का कर दो, रात को 11:30 बजे से, ठीक है सर, डन है सर, आज करा देते हैं, ठीक है, आप भेज दो इनके घर भेज दो आज रात से, ठीक है, शुरू कर दो, गाड़ी चलवा दें सर, आज निकल रहे हैं बस, यहाँ से निकल रहे हैं आपके घर, ठीक है, भेज दो भेज दो ना, जब इतना कॉन्फर्मेशन भी दिया कितने वो लगे पड़े हैं, भेजो घर पे नहीं प्लीज प्लीज, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, पेमेंट नहीं देना है, कोई कुछ पेमेंट नहीं है, उन्होंने कॉन्फर्मेशन किया, कन्फर्मेशन किया है यार, बेकार की बातें कर रहा है, सीनियर ने बोला, सीनियर ने बोला है, कर देंगे हम, तू भेज दे, अरे घर पे ही होगी, घर पे होगा, कन्फर्मेशन दिया घर पे होगा, अरे कैसे नहीं, घर पे कर दे भाई, ओए भेज दे, अरे भेज अभी कर दे, कर दे, कर दे, कर दे, आ रहे हैं घर पहुंच रहे हैं, घर पे पहुंच रहे हैं ना, घर पे पहुंच रहे हैं, कोई सर्विस देखो, गाली दे रहा मैं अभी पहुंच जा दूंगा, पिन कोड लिखो 110065 लिख दो, संगम यार भेजो आज रात से 11:30 बजे, 1 महीने तक के लिए, आपने 1 महीने रिफंडेबल भी नहीं है, ये बात ही नहीं हो सकती, बकवास का मतलब। अगर आप भी किसी को ये हैप्पीनेस सर्विसेज देना चाहते हैं तो 2 मत दबाइए, सिर्फ नीचे उनको कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो। ये लड़के लड़कों के कितने काम आते हैं यार, इस चीज से अंदाजा होगा जिसका मुर्गा बना रहे हैं ना, ये अक्सर अपने दोस्तों को अपना रूम दे देता है, अब वजह क्या होती है, ये पंख की तरफ पता करते और अभी इसने दे रखा है किसी को रूम, चलो रूम में पहुंचो। हेलो भाई, बात कर रहा हूँ का दोस्त, भाई मैं पहुंच गया, भाई कमरे में पहुंच गया, सुनिया किसको बताइयो मत कि मैं कमरा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो सारे पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे भी देते, मुझे भी देते, हाँ हाँ अरे भाई पक्का नहीं बताऊंगा, थैंक यू सो मच भाई तूने दे दिया रूम भाई, अरे यार थैंक यू तो ठीक है, तू नया ना, सामने वाला जो पर्दा है ना वो थोड़ा आर पार दिखाई देता है, वो लगा लेना, और यार थोड़ी ना शोर कम करना, पिछली बार ऐसे वो आए थे भाई, उन लोगों ने तो जो आफत मचाई थी सारे इधर लोगों को ना पता चल जाता है, ठीक है, और भाई सुन जल्दी जल्दी करो यार, निकल जाना, ठीक है, ठीक है भाई, रूम तो तेरा ही है ना भाई,
हाँ रूम तो मेरा ही है यार, तभी तो चाबी उसे मैंने दी थी, उसने तुझे दे दी, पता नहीं क्या यार। ठीक है कोई बात नहीं है, वही दोस्त वाली बात है, कर लेना बेडशीट वेडशीट या थोड़ा सा ठीक करके जाना। ठीक है भाई, पक्का। थैंक यू सो मच भाई, तूने मुझे अपना रूम दे दिया भाई। हाँ भाई वो तो यार दोस्ती है यार, तभी तो काम आएंगे तुझे, थोड़ा सा वो सब ध्यान रख ले, मैं रख लूंगा भाई। यार सुनना, मेरी ना थोड़ी सी फट रही है, ये पक्का तेरा ही रूम है ना भाई? वाली बात कर रहा है भाई, वो कितने लड़के आते हैं यार, कितने सारे आते हैं, बस मैं वही बोल रहा हूँ, तो नया नया मुझे लग रहा है, तो थोड़ा ध्यान से करो, जल्दी जल्दी करके बस निकल लियो, मेरा ही कमरा है भाई। यार भाई एक बात बता, तेरे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, उनको ऐसे अजीब नहीं लगता कि तू रूम दे देता अपना ऐसे दोस्तों? भाई पता किसे, ये बात बता के करूंगा। ये भी सही है भाई, ये जो डोर लॉक है वो कैसे लगना है, खाली ऐसे चिटकनी ऊपर? अरे अरे यार, हाँ उसका सीन है, उसे ना अंदर की तरफ खींचेगा ना, पहले जोर से उसे खींचना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। जोर से खींचेगा ना, उसके बाद दो बार क्लॉक वाइज घुमाना पड़ेगा, तो जो ऊपर है ना चिटकनी, हाँ। वो जब दो बार घूमेगी वो तब एकदम सही से होता है। कितने आते हैं भाई, आधा टाइम उनका इसी में गेट के उसमें लगा रह जाता। और मेरे ख्याल से बाहर से एंटी क्लॉक वाइज दो बार करो तो खुल जा। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं खुलता। तो फिर ये कैसे खोल के आ गए अंदर? कौन खोल के आ गया, किसकी? ये पुलिस वाले अंकल आ रखे हैं और मुझ पे चिल्ला रहे हैं भाई, डांट रहे हैं मुझे। हट जा, तूने बहुत बात कर ली। हेलो, देख मेरी बात सुन, अगर फोन काट दिया ना तो कॉल तो होगी ट्रेस पूरी। बात सुन मेरी, ये रूम दिया तूने इस लौंडे को, इधर आ। हाँ जी, रूम लिया तूने जी? क्या कर रहा था यहाँ पे अंकल? तेरा रूम है ये? मेरा नहीं अंकल, इसका जिससे फोन पे बात कर रहा हूँ, तेरा रूम है सर। ये तेरा रूम है भाई? रूम? हाँ हाँ। नहीं इसी का है जो वहां पर है ना। तेरा रूम है ये? नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है? तूने ही तो चाबी दी है मुझे। मैंने कहा था चाबी दी है भाई? तूने ही तो कहा था पर्दा नीचे कर लेना, रोशनी आ रही है। क्या क्यों क्यों बेकार की बातें कर रहा है? मेरा कोई कमरा वमरा नहीं है। नहीं अंकल इसी का है। तो ये झूठ बोल रहा है? तो फिर तुझसे बात क्यों कर रहा है ये? हो सकता है गलत नंबर मिल गया। एक काम करो, मैं अपने कमरे पे। नहीं मैं, ये आजकल चालबाजी हो रही है ना, एक काम करो भाई, तेरा नहीं है पक्का? नहीं नहीं मेरा कमरा नहीं है। हेलो, अरे धीरपाल कमरे को सील कर और नीलामी कर कमरे की अभी। अंकल सुनो सुनो। हाँ जी। छोटा लड़का है मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, कहाँ जाएगा बेचारा वो, फिर नीलाम नहीं करो अंकल, बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं, मतलब नहीं सर कर दो सर, नीलाम नहीं, कर कमरा सर। तेरा है, कमरा तेरा है? मेरा है। नीलाम कर दो, कर दो कर नीलाम कर दो, नीलाम कर दो कमरा। वो तेरा कमरा कहाँ है ये? तो फिर किसका है, फिर किसका? तेरा है? नहीं नहीं मेरा नहीं है। हेलो, टाइम नहीं है हमारे पास, ये पड़ गई रेड, कागज दिखा घर के, कागजात दिखा घर के। कागज कहाँ है भाई? भाई क्या यार अंकल, छोड़ दो, लड़का छोटा है अंकल। ये साथ में वाइफ है? नहीं, ये वाइफ नहीं है। वाइफ नहीं है ये? वाइफ नहीं है? झूठ बोल रहा है, वाइफ ही तो है, वाइफ है इसकी। ये तू क्या हो गया भाई? नहीं एक सेकंड भाई, तू बता रहा तेरा रॉन्ग नंबर मिल गया, तेरे को सारे पता है इससे भी ज्यादा। हाँ ये भी हो सकता है, वाइफ ना हो। वाइफ ना हो? हाँ वो बोल रहा है ना, उसकी नहीं है वाइफ। एक काम करो भाई, धीरपाल इसका नंबर तो काट दे, ये रॉन्ग नंबर मिल गया भाई सबका, इससे बात करें। क्यों काटना है? हाँ। फोन क्यों काट रहे हो? क्यों? मतलब जिम्मेदार नागरिक को पता होना चाहिए ना कि आसपास क्या चल रहा है, मतलब उस तरह से तो फोन नहीं काटो ना भाई। तू जिम्मेदार नागरिक है, मैं एक जिम्मेदार रेडियो जॉकी नवेद हूँ, ये जिम्मेदार मेरा दोस्त पंकित है, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, तेरा मुर्गा बना रहे थे। हेलो, कमरा किसका है पता नहीं चला। हेलो, किसने मेरा नंबर आपको दिया था? आपके दोस्त ने। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है, खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू। फिर शुरू हो गया इतना लंबा। हाथों को लगातार साबुन से धोएं, अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से रुकें। कर दें कुछ। अगर किसी को खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 0111-239-7804-6 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी। हेलो हेलो मनीष जी। यस मनीष जी, पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ यार, आप फोन उठा लिया करो, पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ मैं। आपके आपकी इंक्वायरी तो हो गई थी, अभी हमारे बॉस आएंगे, वो अप्रूवल देंगे तो आपका पासपोर्ट कल या परसों मिल जाएगा, अदरवाइज बड़ा लंबा टल जाएगा। आप एक काम करना, इसी नंबर पे, जिस नंबर से कॉल कर रहा हूँ ना मैं जी सर, इसी नंबर पे कॉल करो आप उनको, अभी अभी सर आ रहे हैं, आप बस 3 सेकंड के बाद कर लेना कॉल। नंबर आ गया आपके पास? हाँ सर आ गया। हाँ आप कॉल कर लो, आप कॉल कर लो, सर आ रहे हैं अभी, वही उठाएंगे। ठीक है, ओके ओके। आ गई, देखो
नमस्कार। कोविड-19 की अनलॉक प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो चुकी है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। घर से बाहर निकलने से पहले चेहरे को जरूर ढकें, मास्क का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जितना हो सकता है उतना करें, हैंड सैनिटाइजर ना होने पर साबुन के टिक्के का इस्तेमाल करें, किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले 2 गज की दूरी बना के रखें, किसी को भी छींकता हुआ देखें उससे दूर चले जाएं और कहें गॉड ब्लेस यू। ये बात घर के सभी सदस्यों को बता दें, पापा मम्मी बहनें भाई सभी को ये जानकारी दें। मास्क लगाने के बाद स्कूटर से जा रहे हैं तो स्कूटर पे अच्छी तरह कपड़ा मार दें, स्कूटर का पेट्रोल भी चेक कर लें। अगर आपकी गाड़ी है तो बीच बीच में स्टार्ट करते रहें, कहीं बैटरी तो खत्म नहीं हो गई। घर से बाहर जाने का इरादा नहीं है और घर पे बैठे हुए हैं, तरबूज बरबूज पापा लाएं, तरबूज काटने का इरादा हो तो तरबूज को परिवार के सदस्यों के हिसाब से काटें, कम से कम एक पीस हर किसी के मुंह में जाए, क्योंकि मौसम आम का भी है। अगर आम खाने का इरादा हो तो आम बहुत ज्यादा ना खाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा आम खाने से आपको पित्त हो सकता है। अगर रात में आपका दाल खाने का मूड है तो एक बार चेक कर लें, क्योंकि अरहर और मूंग की दाल काफी मिलती जुलती है। अगर अरहर की दाल बनानी है तो अरहर की दाल बनाएं। तड़का मारने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने अरहर की दाल बनाई है। कोविड-19 हो ना हो, दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। अगर आप भी घर से काम कर रहे हैं और लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है लैपटॉप का काम करते करते लैपटॉप गर्म हो जाए, तो लैपटॉप को आप रीस्टार्ट कर लें। अगर आपके घर में कूलर इस्तेमाल हो रहा है, कूलर के पानी को देख कर इस्तेमाल करें। ज्यादा कूलर पर पानी भर जाएगा तो नीचे वालों को परेशानी होगी, क्योंकि बूंद बूंद टपकता रहेगा। गाड़ी रॉन्ग साइड पर कभी ना चलाएं, चालान कटने से बचें। अगर आप सुरती या तंबाकू का सेवन करते हैं तो सुरती रगड़ने के बाद इस तरह ना करें, सुरती ओढ़ के लोगों के मुंह पे जा सकती है। जो चादर आप रात में ओढ़ के सोए थे सुबह उठने के बाद उसके तय करके अलमारी में लगा दें। रात को सोने से पहले अगर आप अलार्म लगाते हैं तो अलार्म लगाने से पहले प्लीज चेक कर लें कि आप AM और PM में कंफ्यूज तो नहीं हो गए। अगर आपके घर पे कॉर्पोरेशन का पानी आता है और शाम को टंकी भरते हैं और टंकी भरने के बाद कोई तो चिल्लाए कि मोटर बंद कर दो, टंकी भर गई है। अगर आपके घर बहुत सारे हेडफोन्स और चार्जर है, उनका जाला उसको आराम आराम से अलग अलग करें। कहीं से भी आने के बाद अगर आप कपड़े बदलते हैं तो टी शर्ट उल्टी करके ना टांगे, टी शर्ट को सीधी करके टांगे। और इस बात का ख्याल रखें, अगर आपका हो गया तो मैं बात कर लूं, एक सेकंड सिर्फ मेरा होने वाला है, एक सेकंड मेरा होने वाला है। अगर आप गाने सुनते हैं तो मेक श्योर कि स्पीकर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि पड़ोसी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके घर में टीवी का रिमोट, एक सेकंड मेरा हो रहा है बस, आपके घर में टीवी का रिमोट है और टीवी का रिमोट काम नहीं कर रहा है तो बैटरी बदलने से पहले एक बार ऐसे ऐसे करके देखें। परिवार में सभी का ख्याल रखें। इस बात का एक मिनट जरा रुकिए, मैं इनसे पासपोर्ट की बात कर लूं। मेरा भी काम जरूरी है, मैं कर रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा ना। मैं बिल्कुल मेरा तो पूरा हो जाए। अरे बात करो यार, मैं एक बारी बात करके खत्म कर रहा हूं। अरे तो मेरा भी तो जरूरी है ना, तीन चीजें रखें। मैं नमस्ते, क्या हाल चाल? अब मालूम है ऐसे लोगों से नफरत है मुझे जो उधार ले लेते हैं 2 दिन का कहकर और 1.5 साल तक नहीं देते। ये आदमी है जिसने उधार ले रखा है, जिसे कॉल कर रहे हैं पंकित, इसे परेशान करना। हेलो हेलो लोकेश, कौन बोल रहा है भाई? बात बता, तूने पैसे लिए थे उधार, पैसे क्यों वापस नहीं दे रहा? कौन से पैसे, तू कौन बोल रहा है? दोस्त बोल रहा हूँ उसका। 5,000 रुपए लिए थे 2 दिन का कह के, 1.5 साल हो गया तुझे। अरे दे दूंगा ना यार, 5,000 रुपए के पीछे क्या पागल हो रहा है इतना? ओ चपड़गन्नू, उसके पैसे दे दियो वरना बता रहा हूँ चलते हुए पैंट उतार दूंगा पीछे से। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। The number you've dialed has put your call on hold. पैसे दे दीजिए वरना गंजा कर दूंगा, बता रहा हूँ। अरे ओ तू कर रहा है। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है। Please stay on the line. चपड़गन्नू, अगर नहीं मिले ना पैसे दुगने वसूल करवा लूंगा। आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। Your call has been put on hold. Please. अगर उसके पैसे नहीं दिए ना तो ये हाथ गीला करके गुद्दी पे पड़ेगा बहुत तेज। स्टे ऑन द लाइन, होल्ड पे मत डाल, तुम मुझे पहले बता। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। सुन बे, अगर उसके पैसे नहीं दिए ना, घर के बाहर जो बल्ब है ना वो उतार के ले जाऊंगा। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। अगर 5,000 रुपए नहीं दिए ना, हाथ उल्टे करके गिट्टे पे स्केल मारूंगा, बता रहा हूँ। अरे तो पहले मेरी बात सुन, तू मुझे बार बार होल्ड पे मत डाल, पहले तेरा जो नेता। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है। पैर पे पैर रख के चीर दूंगा। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हैं बे घोचू। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। ऐसा हाल कर दूंगा, ये समझ में नहीं आएगा, आ रहा है कि जा रहा है। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं
उसने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। द नंबर यू डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। कैश में देगा, चेक में देगा, पैसे कब देगा, ये बकवास। द नंबर यू डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। इसका तेरे पापा से भी शिकायत कर दूंगा, तेरी बता रहा हूं मैं। अबे तू होल्ड पर, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं, सर जिसको हमने होल्ड पर रखा है ये मान क्यों नहीं रहा है? ये बेगैरत है ना, 5,000 रुपए नहीं दे रहा उसके। अबे तू पहले मेरी बात सुन, तू मुझे होल्ड पर मत डाल ले, मेरे मेरी बात सुन ले, होल्ड पर मत डाल मुझे। हाँ नहीं डाल रहा, बोल। तो जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। ओ गोंचू, पैसे देगा नहीं देगा उसके? अरे दे दूंगा उसके पैसे, पक्का दे दूंगा यार। पक्का दे देगा कल? हाँ पक्का दे दूंगा ना, कह तो दिया कितनी बार कहूंगा। तो चल ठीक है। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है।